तो आज हम लोग लगाने जा रहे हैं टॉप एंड रेस R15S, R15M और R15V3 और R15V3 की। तो आज हम लोग करते हैं इसका टॉप एंड बैटल। तो जाएंगे और सीधा लॉन्ग रूट तक और देखते हैं कौन बाइक विन करती है, कौन लूज। तो सारी अलग अलग मॉडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, सब में थोड़े थोड़े छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ भैया चलो। तो पावर फिगर सारी बाइकों में लगभग सेम ही, आपको सेम ही इंजन मिलता है, बस वही एक दो पॉइंट VHP का अंतर मिलता है आपको सभी बाइकों में। तो सामने तक रेस लगा के जाते हैं और सभी की हेडलाइट यार आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है, M को छोड़कर। M में आपको थोड़ा सा नया लुक मिलता है, थोड़ा सा एरोडायनामिक्स ज़्यादा लगती है बाइक देखने के लिए। और आपको ये R15S में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, ये वाली R15 में V3 में कि थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका सही नहीं है, बाकी और बाइक थोड़ा सा मेंटेनेंस सबका सही है। तो यार देखते हैं बाइक को रेस लगाकर कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा फास्ट होती है इनिशियल में और टॉप एंड में मिड रेंज में भी। तो ये तो बिल्कुल ही राइडर पर डिपेंड करता है कि कौन सी बाइक जीतेगी कौन सी बाइक नहीं जीतेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो तीन हॉर्न शुरू करना, तीन हॉर्न, एक दो तीन, परफेक्ट शिफ्टिंग, अपने भाई का कोई जवाब नहीं। अपना भाई फर्स्ट आते हुए, और सेकेंड राउंड में देख। तो यामा R15 MI फर्स्ट और सेकेंड आई थंडर ग्रे और थर्ड आई यामा R15S और फोर्थ नंबर पर रही यामा R15 V3 जिसका थोड़ा सा मेंटेनेंस कम था, थोड़ी सी खराब भी चल रही थी इस टाइम, तभी फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उस बाइक ने। और सेकेंड कौन आया? अबे सेकेंड कौन आया? सेकेंड वही तो वो, उसको देखो वहां जाकर रोक रहा, अगर तुम यहाँ खड़े होते ना तो बाहर मिलता वो। सुना तो ए? ये तीन ऑन, एक बच्चे बेटा बच्चे तुम लोग।
जिंगल लाला जिंगल लाला जिंगल लाला जिंगल लाला। ये खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता बच्चों का। फास्ट फास्ट भैया, ये होता है मेंटेन करने का नतीजा। इनको उठाया जाए। दोनों राउंड में फर्स्ट आते हुए आरुण भाई पैम क्या हो गया? अबे भाई क्या यहाँ पे गोबर ही गोबर कौन? अबे भाई रेस गॉन रॉन्ग हो गई है तो। अबे ये कंटेंट पूरा कंटेंट गोबर हो गया है तो।